बड़े अच्छे लगते हैं। ये लड़की है ना, अपनी चीजें संभाल के अभी जाना है इसको काम। शिल्पा जी अंदर आ सकते हैं? मामा जी। अरे मामा जी, मामा जी शिल्पा नहीं चिपरा। लो जी मैं तो पूछ ही जाता हूँ। आपको पूछने की क्या जरूरत है? आपकी बेटी का घर है, आप तो हक से अंदर आ सकते हैं। आइए आइए सुधीर। प्रिया, प्रिया के ससुराल वाले आए। आया आया। अरे नमस्कार नमस्कार मामा जी। नमस्कार नमस्कार। आप भी मामा जी? जी मेरे माँ बाप ने मेरा नाम शाइनी रखा था और ऊपर से कुदरत ने मुझे और शाइनी कर दिया। बहुत अच्छा लगा आप आए। हाँ और कैसे हो सिद्धार्थ? ठीक ठाक, आप कैसे? बस एकदम बढ़िया हूँ। वैसे अगर आप आने के पहले फोन कर देते तो हम कुछ और तैयारियां कर लेते। शर्मा जी असल में हम तो यहाँ दिवाली मिलने आए थे। अब माफ कीजिएगा, आना हमें 2-3 दिन पहले चाहिए था, पर आप तो जानते ही हो कितने काम होते हैं हमें, आपने तो देखा ही है। हाँ जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लो जी छोटी मुन्नी भी आ गई। आप उतर। नमस्ते जी। नमस्ते मामा जी। हाय आयशा। हाय। हाउ आर यू? आप कैसे? ओके आंटी जी, मैं जानता हूँ कि दिवाली में जो भी कुछ हुआ उसकी वजह से आप प्रिया भाभी को लेकर परेशान होगी, टेंस्ड होगी। बस सेठी यार, तू भी कमाल करता है। कुड़ी के माँ बाप हैं वो टेंशन तो होनी है। वो गुस्सा तो मुझे उस अश्विन पे आ रहा है, वो उसने ऐसा क्यों किया? शर्मा जी मुझे तो पूरा शक है वो किसी ने उससे करवाया है, वरना प्रिया जैसी लड़की के साथ कोई अपनी दुश्मनी क्यों निकालेगा पला? बताओ बताओ। अरे मामा जी छोड़िए ना, जान दीजिए। आंटी जी यकीन मानिए, प्रिया भाभी का आज भी उस घर में उतना ही रुतबा है, उतना ही मान सम्मान है, उतना ही इज्जत है जितना पहले था, उसमें जरा भी कमी नहीं है। और हम सब प्रिया भाभी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए प्लीज प्रिया भाभी को लेकर कोई टेंशन मत लो। अरे नहीं नहीं सेठ बेटा, ये कैसी बात कर दी तुमने, वो तो हम बिल्कुल मानते ही हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी बेटी के ससुराल वालों के पास जितना ज्यादा पैसा है उससे भी ज्यादा बड़ा उनका दिल है, है? क्यों जी? जी हाँ, हमारी प्रिया तो बहुत सौभाग्यशाली है कि उसे इतना अच्छा ससुराल मिला है। जी आप हमें शर्मिंदा कर रही हैं, हमने कुछ खास नहीं किया जी, अपनी बहू को सपोर्ट करना तो हमारा फर्ज है ना। फिर प्रिया जैसी आदर्श बहू किस्मत वालों को ही मिलती है, वो हम उसको ऐसे ही थोड़ी खो जाने देंगे। एक्सक्यूज मी, मैं चलती हूँ, मुझे ऑडिशन पे जाना है। ऑडिशन? कौन सा ऑडिशन है? फेमिक्स का ऑडिशन है। फेमिक्स? एनीवे बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। और हाँ ट्रीटमेंट नहीं है? या श्योर। लो यार, और जब भी तुम दोनों एक दूसरे से मिलती हो ना, ट्रीट पेंडिंग ट्रीट पेंडिंग। वो एक बार ट्रीट ले दे के खत्म क्यों नहीं करते भाई, बोलो। हाँ ओके नमस्ते अंकल। बाय 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 बाय, विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बेटा। अरे आपने तो कुछ लिया ही नहीं, मुंह मीठा कीजिए, आइए लीजिए लीजिए। लो बेटा। थैंक यू। आप लीजिए। लो ना। अच्छा अच्छा चलो, अच्छा है उस अश्विन ने अपना मुंह नहीं खोला, तो कहीं यहाँ आकर हम दोनों का नाम ले देता तो लेने के देने पड़ जाते। और चल भाई मामे उर्फ शाइनी, अपना मुंह मीठा कर ले। मैं अभी भी क्यों उसी के बारे में सोच रहा हूँ, वो जरूर मेरा वहम था, और अगर वहम नहीं भी था तो दुनिया में एक ही अपेक्षा थोड़ी है, कोई और भी अपेक्षा हो सकती थी। सुंदर चके है ना? अरे वो देखिए माँ। बॉन्डाई बीच। एक्चुअली मिस्टर कपूर, मुझे लगता है यहाँ आना इतना भी बुरा आइडिया नहीं था, हमें दादी को थैंक्स बोलना चाहिए इस गिफ्ट के लिए। नहीं राम,
तुम इस तरह मुझसे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। मैं फिर आऊं। अरे वो देखिए स्कूल, कितना क्यूट स्कूल है। स्कूल तो हमारे यहाँ भी है ना? हाँ है हमारे यहाँ भी, लेकिन ऐसे वो छोटे से कॉटेज के जैसा था, इसीलिए मैंने कहा। मौसम भी अच्छा है ना? पर थोड़ी हवा है। अच्छा हुआ मैं अपना जैकेट साथ लेकर आई हूँ। थोड़ा दूर है इंडिया से, वरना तो आ सकते हैं बार बार। ओ मिस्टर कपूर, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। अरे हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? वो जो आप मुझे एयरपोर्ट पे अकेला छोड़ के चले गए थे ना, तो मैंने अपने लिए कुछ चीज़ें उठाई थी। ये ब्रोशर्स, ट्रैवल गाइड और ये मैप भी। वेरी नाइस पॉल, स्टॉप द कार प्लीज। अरे क्यों? मुझे सिडनी क्रिकेट ग्राउंड देखना है। नो मिस्टर कपूर, हम लोग इतनी लंबी फ्लाइट के बाद आए हैं, मुझे बहुत थकान हो रही है, मुझे होटल जाना है और मेरी ये ड्रेस भी खराब हो गई है, I have to change। नहीं नहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए हम रुकेंगे। देखो जब भी मैं सिडनी आया हूँ, हमेशा चाहा है कि मैं सिडनी क्रिकेट ग्राउंड देख पाऊँ, लेकिन मैं नहीं देख पाया। आज जो कुछ भी हो मैं देख रहा हूँ, प्लीज स्टॉप द कार। अरे लेकिन मुझे नींद आ रही है। देखो मैं जा रहा हूँ, तुमको आना है तो आओ, नहीं तो अंदर रह जाओ। अब बोलो आ रही हो कि नहीं आ रही हो? ऑब्वियसली आऊंगी ना। ठीक है मैं चलती हूँ आपके साथ, गाड़ी में बैठ के भी क्या करूंगी अकेली। सोच लो, दैट इज अ प्लेस फॉर क्रिकेट फैंस। तुम अंदर बोर तो नहीं हो जाओगी? हो भी गई बोर तो क्या फर्क पड़ता है मिस्टर कपूर, जाना तो पड़ेगा ही ना। और वैसे भी मैं आपके जैसी नहीं हूँ, मैं दूसरे के इंटरेस्ट में कभी कभी इंटरेस्ट दिखा देती हूँ। चलो फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.